सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों की डिमांड थी अपकमिंग कार्स की इंडिया के अंदर। वो लोग जानना चाहते थे कौन सी ऐसी गाड़ियां हैं जो आने वाली है और हम लोग जो है ना कब तक उन गाड़ियों का वेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ आने वाली है 2024 से 2025 के बीच में। अगर आप लोग कहीं ऐसा कर दिया, आप लोगों ने वीडियो को स्किप कर दिया, तो आप लोगों से जो है ना वो गाड़ियाँ मिस हो सकती है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों से जो है ना मिस हो सकती है इन गाड़ियों से रिलेटेड। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल लास्ट तक देखोगे तभी जो है ना आप लोगों को एक आइडिया लगेगा कि कौन सी गाड़ियाँ आने वाली है। बाकी प्राइस रेंज के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा, एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा और कुछ फीचर्स के बारे में भी जो है ना हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें ऐसी रहने वाली है जो खास बनाएगी इन गाड़ियों को। और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग गाड़ियाँ आने वाली है यार, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। और चलिए हम लोग बिना देरी यहाँ पर शुरुआत करते हैं आज की इस मज़ेदार वीडियो को, और करते हैं पहले गाड़ी से शुरुआत। किया मोटर्स से टेल्यूराइड आने वाली है इन लोगों की। ये पूरी तरीके से प्रीमियम 7 सीटर गाड़ी रहेगी जिसके लुक्स एंड डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। यहाँ पे आप लोगों को किया का नया टाइगर नोज ग्रिल भी देख रहे होंगे, और लाइटिंग सेटअप अगर आप लोग चेक करोगे इस टेल्यूराइड की तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रही है। गाड़ी देखने में भी काफ़ी लंबी सी लगती है और बल्कि डिज़ाइन इस गाड़ी को दिया गया है, और लाइटिंग सेटअप पूरी तरीके से नया है जिसमें आप लोग को थ्रो जो है ना इस गाड़ी का बहुत बढ़िया लगेगा। रात में विजन जो है ना बहुत क्लियर होगी इसकी। 3.8 लीटर का आप लोगों को पेट्रोल इंजन दिया जाएगा जो कि 8-स्पीड मैनुअल और CVT गियरबॉक्स के साथ पेयर होगा। यहाँ पे किया मोटर्स का क्या हिसाब किताब रहता है आप लोग जानते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम गाड़ियाँ निकालता है किया मोटर्स। वहीं पे टेल्यूराइड की बात ही कुछ और होने वाली है। ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन आप लोग को ज़रूर इस गाड़ी के अंदर दिया जाएगा। कनेक्टेड किया टेक जरूर दिया जा रहा है। वेंटिलेटेड प्लस हीटेड सीट्स का ऑप्शन भी होगा। ट्रिपल जोन के साथ AC क्लाइमेट कंट्रोल, 360° कैमरा, एडास का सेफ्टी फीचर भी आप लोग को इस गाड़ी के अंदर मिल जाएगा। वहीं पे अब इस गाड़ी के लॉन्च डेट के बारे में बात करते हैं ना हम, तो एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट जो है इस गाड़ी की आप लोगों को 2025 तक ये गाड़ी आप लोगों को दी जा सकती है। वहीं अगर हम लोग इसके प्राइस रेंज के बारे में बात करते हैं तो कीमत अगर इसके फीचर्स को देख के किया जाए तो यहाँ पर 25 से 30 लाख रुपये के बीच में ये गाड़ी मिल जाएगी आप लोगों को। चलिए अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट गाड़ी के बारे में बात करते हैं जो कि मोस्ट अवेटेड गाड़ी है टाटा मोटर्स की तरफ से आने वाली, नेक्सॉन CNG। ये जो CNG है ये इंटेलिजेंट CNG वाला जो है आप लोग जानते हैं टाटा मोटर्स का ICNG। अब नेक्सॉन का भी वही सेम चीज़ हुआ है, कब जब से लेके जो है ना गाड़ी का पता लगा है लोगों को कि भाई नेक्सॉन CNG के साथ आने वाली है, तो इसकी जो सेल्स पे है काफ़ी ज़्यादा आप लोग को जो है ना डाउनफॉल देखने को मिला होगा, क्योंकि रीज़न भी यही है CNG के साथ नेक्सॉन आने वाली है और बहुत ज़्यादा तगड़ा आप लोग को जो है ना ऑफर प्रोवाइड करवाने वाली है। ये नया डिज़ाइन के साथ आएगी, जानते ही आप लोग, फेसलिफ्ट वाला। 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जाता है और एक 1.5 लीटर का डीजल इंजन आप लोग को इस गाड़ी की में दिया जाता है मैनुअल और DCT गियरबॉक्स के साथ। CNG का लोगो दिया जाएगा आप लोग को इस गाड़ी में, और आप लोग को बूट स्पेस के साथ कोई भी जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा इसमें, जानते ही आप लोग ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाएगा जिस वजह से आप लोग को बूट स्पेस काफ़ी अच्छा मिलने वाला है इसमें। 120 PS की पावर होगा 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क के साथ, और 12 kg तक का जो है ना CNG कैपेसिटी इस गाड़ी में आप लोग को दी जाएगी। इसमें माइलेज जो है ना सबसे मेजर चीज़ है जिसमें आप लोग को 22 से लेके 25 kmpl की माइलेज दी जाएगी। यार मतलब दिल खुश हो जाएगा, CNG में आने के बाद नेक्सॉन का जो है ना एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा, और उम्मीद करेंगे कि वापस से वही पोजिशन हासिल कर लेगी ये, ठीक है। बिग स्क्रीन ज़रूर से दी जाएगी, और सेफ्टी के बारे में बताऊं तो आप लोग को जानते ही है सेफ्टी जो है ना टाटा मोटर्स काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन दिए देती है, और नेक्सॉन को 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग ऑलरेडी मिल चुकी है। गाड़ी का लॉन्च डेट जो है ना 1 से 1.5 महीने के अंदर आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट गाड़ी के बारे में बात करते हैं, तो भाई यहाँ पर महिंद्रा मोटर्स भी पीछे नहीं है, जानते ही आप लोग महिंद्रा की भी थार आने वाली है 5 डोर के साथ यार, तो इसमें भी आप लोग को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। बहुत टाइम से टेस्टिंग पर चली हुई है यार थार भी, तो इस गाड़ी का जो है ना आप लोगों को नया ग्रिल आप लोगों को मिल जाएगा, नया स्टेयरिंग व्हील आप लोग देख सकते हैं इस गाड़ी के अंदर, XUV700 वाला स्टेयरिंग व्हील दिया जाएगा आप लोगों को। लार्ज टच स्क्रीन दी जाएगी 12.3 इंचेस का, फ्रंट में आप लोगों को आर्मरेस्ट देखने को मिलेगा, पार्किंग कैमरा भी मिल जाएगा आप लोगों को, सनरूफ देखने को मिलेंगे, और साथ ही में ऑल डिस्क ब्रेक्स अब आप लोगों को इसके में अंदर मिलते हैं। विंडो के अंदर आप लोगों को जो है ना सारे कंट्रोलर आप लोगों को दिए जाएंगे, यानी कि दरवाज़ों में दिए जाएंगे सारे विंडो के कंट्रोलर, ठीक है। 2.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जाएगा और 2.2 लीटर का डीजल इंजन दिया जाएगा, और इस गाड़ी का लॉन्च डेट बताऊं मैं आप लोग को, ये अगस्त के महीने में आप लोग को दी जाएगी। यार मतलब सही है, महिंद्रा मोटर्स वैसे ज़्यादातर अपनी गाड़ियाँ जो है ना 15 अगस्त के टाइम में लॉन्च करती है, तो उम्मीद करते हैं इस गाड़ी को भी जो है ना अगस्त में लॉन्च कर दी जाएगी।
और नेक्स्ट गाड़ी के बारे में बात करें तो यहाँ पे निसान मोटर्स की तरफ से आने वाली है कैशकाई। और ये भाई मैं तो समझता हूँ कि इस गाड़ी को इंडिया के अंदर एक बार अगर लाया जाएगा तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ये गाड़ी करेगी, क्योंकि भाई कैशकाई जैसे नाम ही सही पता लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम गाड़ी होगी। तो ये भी कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर एसयूवी रहेगी, 13 से लेकर 18 लाख रुपये की कीमत में इसको उतारा जा सकता है यहाँ इंडिया के अंदर। इसके लुक्स एंड डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है और इंटीरियर एक्सटीरियर भी उतने ही ज़्यादा आप लोगों को लग्जरियस देखने को मिलेंगे। सामने से निसान का सिग्नेचर ग्रिल आप लोग को देख रहे होंगे। 1.5 लीटर का ई पावर्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन आप लोग को ऑफर कर दिया जा रहा है इसमें। तो सोच सकते हैं आप लोग हाइब्रिड ऑप्शन आप लोग को दिया जा रहा है तो कितना ज़्यादा आप लोगों को जो है ना मज़ा आएगा इस गाड़ी में। 7 स्पीड का DCT गियरबॉक्स होगा, डुअल टोन डैशबोर्ड, बिग इन्फोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीट्स, और इंडियन रोड के हिसाब से इस गाड़ी में आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा कच्चे पक्के रास्तों में भी ये गाड़ी चल सकती है। और कीमत इस गाड़ी के बारे में मैंने आप लोगों को नहीं बताया, कीमत जो है ना आप लोगों को इस गाड़ी की 13 से लेकर 18 लाख रुपये के बीच में हो सकती है। और साथ ही में लॉन्च डेट इस गाड़ी का जो है ना 2025 तक ही आप लोग अनुमान लगाइए, इतनी ही ये गाड़ी आप लोग को यहाँ पर आएगी। मे भी हो सकता ना भी आए, निसान मोटर्स वैसे भी क्या ही कर रहा है इंडिया के अंदर, आप लोग जानते हैं वही है एक मैग्नाइट, उसी के दम पे जो है ना ये लोग यहाँ पे जी रहे हैं। अब ये कैशकाई आती है नहीं आती है वो तो वक्त ही बताएगा। हम लोग वक्त के साथ आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे हम लोग अगली गाड़ी के बारे में बात करते हैं। तो XUV महिंद्रा की 300 का फेसलिफ्ट भी आ सकता है। अब क्या सिस्टम ये है देखिए, जो अभी रिसेंटली में महिंद्रा मोटर्स ने XUV 3XO को जो है ना लॉन्च किया है, वैसा ही सेम जो चीज़ आप लोग को जो है ना XUV 300 के साथ भी कर दी जाएगी। ठीक है, ये दोनों गाड़ियाँ अलग है। पहले हम सोचते थे कि नहीं भाई 300 का फेसलिफ्ट यही है, बट ये नहीं है, नाम आप लोग समझ सकते हैं 3XO है इस गाड़ी का। तो लुक्स काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होंगे इसमें। फ्रंट में आप लोग को जो है ना पूरी तरीके से चेंज मिल जाएगा, इसमें आप लोग को मेजर अपग्रेड्स भी दिए जाएंगे, इंटीरियर चेंज होगा, ठीक है, इन्फोटेनमेंट सिस्टम पूरा नया मिल जाएगा आप लोग को, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा, पैनोरामिक सनरूफ भी है इसमें, ठीक है। और साथ ही में ये जो है ना पैनोरामिक सनरूफ जो होगा XUV 300 के रेंज में जो गाड़ियाँ आएगी वो फर्स्ट इन सेगमेंट में होगी, जो कि 3XO में भी आप लोग को देखने को मिलता है। 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स के साथ ये गाड़ी आएगी, और भी कई सारे तगड़े फीचर्स आप लोग को इस गाड़ी में मिल जाएंगे। बाकी अगर लॉन्च डेट के बारे में बताऊं आप लोगों को तो 2025 तक या फिर फेस्टिव सीजन 2024 तक ये गाड़ी आप लोगों को मिल सकती है। चलिए हम लोग जो है ना यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट गाड़ी के बारे में बात करेंगे। तो रेनो मोटर्स की तरफ से आने वाली है डस्टर का नया जनरेशन, और ये जो डस्टर है काफ़ी ज़्यादा तगड़ा प्रोडक्ट रहा है हमेशा से इंडिया के अंदर। अब इस गाड़ी को दोबारा से रीलॉन्चिंग की तैयारी चली हुई है। डासिया डस्टर का जो नाम दिया गया है इसको, इंडिया के अंदर ये नॉर्मल डस्टर के नाम से आएगी, जिसमें लुक्स काफ़ी ज़्यादा आप लोग को पसंद आएंगे, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लुक्स के साथ है ये गाड़ी, और एग्रेसिव डिज़ाइन है इस गाड़ी में। काफ़ी ज़्यादा मेजर अपग्रेड इस गाड़ी को दिए गए हुए हैं, और कीमत बताता हूँ आप लोग को तो 15 से लेकर 20 लाख रुपए की कीमत में ये गाड़ी उतारी जा सकती है यहाँ पे। और साथ ही में यहाँ पे 1.2 लीटर का हाइब्रिड पेट्रोल इंजन दिया जाएगा और एक 1.5 लीटर का डीजल इंजन भी आप लोग को ऑफर कर दिया जा सकता है भाई इस गाड़ी के अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, काफ़ी ज़्यादा तगड़ा ऑफ रोडर व्हीकल भी माना जाता था हमेशा से डस्टर को, बट ये जो है ना 4x4 के साथ नहीं आती थी। यहाँ पे जो एडवांस लेवल के टेक्नोलॉजीज यूज़ किए जाएंगे इस गाड़ी को प्रीमियम बनाने के लिए और ख़तरनाक बनाने के लिए, बिग इन्फोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी होगा, 360 डिग्री कैमरा, मतलब जो पुरानी डस्टर थी आज के ज़माने में जो नहीं आएगी वो आप लोग को प्रॉपर एक ख़तरनाक तरीके से सेटअप के साथ आएगी। तो समझ सकते हैं अब आप लोग, लॉन्च डेट जो है ना 2025 के शुरुआती में जनवरी फरवरी के महीने में यह गाड़ी आप लोग को मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट गाड़ी के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे फॉक्सवैगन की तरफ से आ सकती है भाई पोलो का नया जनरेशन। इंडिया के अंदर पोलो पहले भी ऑलरेडी बिकती थी, जो कि 2022 के अंदर डिसकंटिन्यू कर दिया गया इस गाड़ी को किसी रीज़न की वजह से, क्योंकि लुक्स जो है ना भाई बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो गए थे इसमें और किसी भी टाइप का कोई अपग्रेड नहीं आ रहा था। तो अब जो है ना पोलो का नया जनरेशन आप लोग के सामने स्क्रीन में देख रहे हो, गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, काफ़ी पसंद आने वाली है। इसमें आप लोग को बहुत सारी चीज़ें जो है ना फर्स्ट इन सेगमेंट मिलेगी, फ्रंट और रियर तो पूरी तरीके से चेंज ही है। जो लाइटिंग सेटअप है आप लोग देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके की फॉक्सवैगन की पोलो भी आएगी। एडास का सेफ्टी फीचर भी आप लोग को मिल जाएगा देखिए एक हैचबैक गाड़ी के अंदर। 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जाएगा जो कि 101 BHP की पावर निकालेगा, जो कि हमेशा से इसकी USP रही है फॉक्सवैगन पोलो की तूफान के नाम से जानी जाती थी। नया कैबिन होगा, नया हेडसेट डिस्प्ले होगा, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा, और भी कई सारे ऐसे प्रीमियम फीचर्स आप लोग को इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। लॉन्च डेट के बारे में बताऊं तो ये गाड़ी आप लोगों को जो है ना सितंबर से अक्टूबर के महीने में इंडिया के अंदर जो है ना खबर आ सकती है इसके बारे में, ठीक है। तो इस लिस्ट की आखिरी गाड़ी के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो होंडा मोटर्स की तरफ से आने वाली है WRV। ये कॉम्पैक्ट SUV है,
ठीक है, और कीमत इसकी जो है ना 10 से लेके 15 लाख रुपए के बीच में हो सकती है। और फ्रंट में आप लोग को रडार सेंसर मिल जाएगा, यानी कि आप लोग को इसके अंदर रडार्स भी दिया जा रहा है। और लुक्स अगर आप लोग देखोगे तो फर्स्ट इंप्रेशन में आप लोग को लगेगा कि होंडा की अमेज जैसी लग रही है पूरी की पूरी, क्योंकि सेम प्लेटफॉर्म यूज़ किया गया है इस गाड़ी के लिए भी, बस नाम WRV दिया गया है। 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया जाएगा जो कि 100 BHP के पावर निकालेगा। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड का CVT ट्रांसमिशन होगा। बिग स्क्रीन, वायरलेस चार्जर और भी कई सारे तगड़े फीचर्स आप लोगों को इस WRV के अंदर दिए जाएंगे। और ऐसे में इस गाड़ी का जो लॉन्च डेट रहेगा ये आप लोगों को 2025 तक जो मिल सकती है। सो गाइज, ये थी वो ओवरऑल गाड़ियाँ जो आप लोगों को मिलने वाली है 2024 से 25 के बीच में। अब आप लोग बताइए आपके दिमाग में कौन सी ऐसी गाड़ी आ रही है जिसके बारे में आप लोग जानना चाहते हो पूरा डिटेल, उस गाड़ी के बारे में हम लोग जो है ना ज़रूर से डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे। और उम्मीद करूंगा वीडियो आप लोगों ने अभी तक देखी है, अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज़, ठीक है। आगे भी ऐसी वीडियो यहाँ पे हम लोग लेके आते रहते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, आप लोग रखना अपना ध्यान। वीडियो देखने के लिए आप लोग का दिल से धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।